बिना प्याज लहसुन के आलू मटर टमाटर की टेस्टी सब्जी बनाने की विधि। टमाटर है कटे हुए, धोकर के इनको काट लिया है, ये मटर और ये आलू। इसके लिए सबसे पहले गैस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल के गर्म होने पर इसमें थोड़ी सी हींग, ये जीरा है। इसके बाद इसको चला करके जिससे कि मसाला ना जल पाए, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जिससे टमाटर और मटर गल जाए। ऐसे ही टमाटर और मटर थोड़ी सी बक जाती है तो इसको इसमें इसके बाद में थोड़ा ये कटे हुए आलू डाल दिए और थोड़ी देर सब्जी को चला दिया। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और पानी डाल दिया। पानी जितनी रसीली आपको सब्जी रखनी है उतना पानी डालना है सिर्फ। इसके बाद में कुकर को बंद कर देना है। सब्जी पकने के बाद में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और हरा कटा हुआ धनिया डाल करके इसको सजा दीजिए। और देखिए ये आपकी फर्स्ट क्लास आलू मटर टमाटर की सब्जी बनकर तैयार होगी। ये आपकी बिना लहसुन प्याज की आलू मटर टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो इसमें जो मसाला हमने बनाना आपको बताया था उस मसाले को भी आप इसमें डाल करके सब्जी को और भी अधिक टेस्टी बना सकते हैं। धनिया, मिर्ची, अदरक, गुड़िया वाला धनिया, ये सब चीज़ मिला करके हमने ये मसाला बनाना आपको बताया था। उसकी विधि इसी में पड़ी हुई है, देख ली सकते हैं आप। देखिए इसमें मिला देते हैं तो ये सब्जी और भी अधिक टेस्टी लगती है। प्याज लहसुन की सब्जी इसके आगे बिल्कुल फेल हो जाती है, ये इतनी टेस्टी बनती है। ये मसाला मिक्स सब्जी, ये सादा सब्जी।